चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। कैराना को जो है एक बीजेपी ने एक लेबोरेटरी की तरह जो यूज़ किया जो है यहाँ पे दंगे के बाद जो है जिन्होंने फ़ायदा उठाना था इस चीज़ का उनको तो फ़ायदा मिल गया। चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं कैराना विधानसभा के विधायक नायद हसन साहब और वो प्रचार में निकले हुए हैं अपनी अम्मी तबस्सुम हसन जी के प्रचार के लिए, जो अभी पीछे ही उपचुनाव भी जीती थी कैराना से और अभी फिर से गठबंधन की प्रत्याशी हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार और क्या लग रहा है अभी? अच्छा चल रहा है, आप तो देख ही रहे हैं और सभी लोग साथ में हैं और जैसे पिछले चुनाव में जो था उससे कई गुना ज़्यादा अभी लाइक वी आर इन अ बेटर सिचुएशन लाइक राइट नाउ। पिछली बार जब 2014 में जब लोकसभा हुआ था तब आप यहाँ के प्रत्याशी थे जी। एक बड़े दंगे के बाद वो चुनाव हुआ था, नुकसान जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक चीज़ भी स्पष्ट थी कि शायद सबसे ज़्यादा फ़ायदा या सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ तो आप ही लोगों को हुआ, चाहे सपा थी चाहे बसपा थी जी। क्या इस बार आप उसमें कुछ बदलाव देख रहे हैं? बिल्कुल, उसमें बदलाव ही बदलाव है क्योंकि इस 5 साल के पीरियड में आफ्टर दीज राइट्स दंगे के बाद जो है जिन्होंने फ़ायदा उठाना था इस चीज़ का उनको तो फ़ायदा मिल गया, लेकिन जो लोग जो इसमें इन्वॉल्व रहे, अब जैसे हमारे जाट भाई हैं, जाट कम्युनिटी, और उस तरफ जो है दूसरी तरफ हम लोग जो है, तो नुकसान तो हमारा और उनका हुआ, फ़ायदा नेताओं का हुआ, बीजेपी के नेताओं को हुआ। जैसे हम लोग लिसाड़ गांव भी गए और वहाँ पर लिसाड़ गांव में जाट समाज के ही लोग कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन के साथ जाएंगे, एक भारी तबका जाटों का इस तरफ आ रहा है, लेकिन और ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि 2014 में हमने भाजपा को वोट दी जी। लेकिन दंगाग्रस्त गांव से जो मुसलमान गांव छोड़ के गए हैं वो वापस तो गए नहीं गाँव में जी। एक ये दरार तो कहीं ना कहीं बन गई है समाज में, आप इसको कैसे देख रहे हैं, ये कैसे जुड़ेगा, क्या ये दरार कभी इस मामले में सामाजिक रूप से कभी भरपाई हो पाएगी इसकी? देखिए ऐसा है, अब जख्म तो रह ही जाता है लेकिन उसके सारे अब आगे की ज़िंदगी थोड़ी जी जाती है। जब आप कह लीजिए जो है जो हार्डकोर जो मुकदमे हैं वो थोड़ा भी पेंडिंग है, लेकिन और सब मुकदमे जो है उनमें फैसले वगैरह सब हो चुके हैं, भाई माफ़ कर देना और ये सारी चीज़ जो है आपस में जो पहले रिलेशन थे तो उनको देखते हुए जो है वो सारी चीज़ें ये फैसले वगैरह भाई ये सब हो रहा है जो है। तबस्सुम जी एक ऐसे वक्त पर उपचुनाव जीती थी लोकसभा का जब उत्तर प्रदेश से शायद पहली बार, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक भी सांसद मुस्लिम सांसद चुना नहीं गया था और एक मुस्लिम महिला वो यहाँ से चुनाव जीती, और वो भी एक ऐसे वक्त पर जब 3 तलाक जैसे मुद्दों पर और मुस्लिम महिलाओं के नाम पर बहुत सारी राजनीति चल रही थी। आप उनकी जीत को किस तरीके से देखते हैं? क्या वो सिर्फ कैराने के लिए उनकी जीत देखते हैं या आपको लगता है कि सिग्निफिकेंस जो उनका है वो कैराने से आगे भी जाता है और ख़ासकर कि जिस माहौल में वो जीती थी चुनाव? जब उनका भाई बाय डाटा देखा और देखा कि जो है पहले भी मतलब फादर के जाने के बाद अच्छे से जो है यहाँ पे राजनीति उनके द्वारा हुई है, पॉलिटिक्स की है उन्होंने, और एक सीधी एक लाइन पे चलने वाली महिला के तौर पे एक सीधी साधारण जो है, तो उसको कई लोगों ने जो है उस चीज़ को बड़ा वो करते थे जो लोग उस टाइम पे भी कि भाई उस टाइम पे जब माता जी अभी बीच में ये 4 साल का जो गैप रहा तो बहुत लोगों ने जो है इस चीज़ को फील किया कि भाई उनका टाइम अच्छा था जो है, वो जो कहती थी वही जो है करती थी, कोई ऐसा नहीं मामला था कि भाई झूठ बोलना या किसी के साथ जो है उसको धोखाधड़ी या इस तरीके का, तो उनका जो नेचर था वो सब जो है वो हर आदमी को हर कम्युनिटी को पसंद आता था और उस चीज़ से ही एक आवाज़ उठी कि आप इनको लड़ाइए, ये इतनी पॉपुलर जो है मुस्लिम में और इतनी जो है हिंदू कम्युनिटी में है, उसी तरीके से एक आवाज़ वहाँ गई और सब ने फिर ये फैसला लिया कि चलिए इस बहाने जो है ये हमारा जो है आपस में भाईचारा भी हो जाएगा और एक मैसेज भी चला जाएगा पूरे हिंदुस्तान में कि नहीं जिस जिस जगह को गंदा करने की कोशिश करी गई, जो
आप राइट से कह लीजिए जैसे भी, हाँ कैराना को जो है एक बीजेपी ने एक लेबोरेटरी की तरह जो यूज़ किया जो है यहाँ पे, और सब चीज़ें जैसे अभी पलायन वगैरह का चला मामला, तो उस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए जो है एक मैसेज देना था जिससे जो है ये एक एक स्टार्टिंग हो जाए जो है, तो उसमें हम लोग कामयाब रहे। और यही उम्मीद है कि आगे चलते चलते जो है ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है हम लोग इसको भुलाएंगे भी और आपस में पहले की तरह जो है ऐसे ही रहना शुरू करेंगे। जात बिरादरी के नाम पर आज भी बहुत जगह राजनीति होती है। केराना में भी देखा जाए तो मुख्य रूप से या तो हिंदू गुर्जर या मुस्लिम गुर्जरों से ही प्रत्याशी आते हैं जो मजबूत होते हैं, कम से कम चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। इसमें आप क्या बदलाव आते हुए देख रहे हैं आने वाले सालों में? क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि बदलाव आए इसमें? बदलाव तो जो अवेयरनेस आएगी थोड़ा थोड़ा सा, हमारे जो इलाके हैं जो जो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रूरल एरिया जो है हम लोगों का, या और भी जगह पे जो है ये जाति का, ये तो पहले से एक ट्रेंड चला आ रहा है जो है इंडियन पॉलिटिक्स में, तो ये एजुकेशन से और अवेयरनेस से बदलेगा जो है ऐसी बात नहीं है। थोड़ा आदमी जो है ये सोचता है कि भाई मेरी जो कम्युनिटी वाला है और वो ही सबसे पहले हमारी मदद करेगा या हमारी परेशानी को ख़त्म करेगा जो है, तो ये एक सोच है उसको बदलना पड़ेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर एक प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है, हाँ, इलिटरेसी बेरोजगारी है, है, इलिटरेसी, इलिटरेसी शिक्षा का भी स्तर यहाँ पर जी, इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि खासकर कि सरकार महिलाओं के बीच में नहीं। तो बहुत ही खराब हाँ है। जी तो मैम, इन सब चीज़ों को लेकर आप असल क्या में क्या सोच है, रहे हैं? जैसे हम लोग जाते हैं और कई जगह ऐसा देखा है हमने कि जो सरकारी जो स्कूल हैं तो उसमें एक तो जो है मतलब 500 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर सिर्फ एक ही टीचर है, तो वो एक अकेले टीचर 500 बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे जो है अलग अलग, तो टीचरों का बहुत ज़्यादा अभाव है। और हम लोग के शिक्षा मित्र जो होते थे ये कहीं ना कहीं हेल्प करते थे इसमें, पर अब वो लोग भी जो है अब सारा वो लोग दे नॉट डूइंग दे जॉब जो है, तो वो लोग क्योंकि अब उनको भी जो है धरना प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं जो है कि हमारी सरकार में उनको 35,000 रुपये तक दे दे दिया जाता, और बीजेपी के द्वारा शिक्षा मित्र बनाए गए अब उनको जो है सिर्फ 10,000 रुपये दिए जाते हैं, तो जिनकी आदत 35,000 तक आपने वो कर, तो वो 10,000 रुपये कहाँ जो है मानेंगे के भी, तो तो क्या एक इस ही तरह का एक स्कूल। विजन है आपका कि आप सरकार सपा की बने जैसे थी, लेकिन हाँ जी, लेकिन तब भी गवर्नमेंट स्कूलिंग में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं इतना देखा? इम्प्रूवमेंट नहीं था तो नहीं, क्या आप उसमें क्या उम्मीद कर रहे हैं, बदलाव होगा? कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आगे भी आपका कैंपेन फॉलो करते रहेंगे। जी शुभकामनाएं चुनाव के लिए। थैंक थैंक यू, यू थैंक यू सर।